जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा हाउ टू मार्क हैमर थ्रो सेक्टर। ठीक है कि हैमर थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ये है कि अगर हम हैमर थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हैमर थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट सेम हमारा शॉट पुट सेक्टर पर आधारित है। अगर हम उसके सेक्टर की बात करें तो जैसा सेक्टर हमने पिछली वीडियो में बताया शॉट पुट का, तो वैसा ही सेक्टर इसका भी होता है हैमर थ्रो का। उसको मैं बाद में बता दूंगा आपको, एक बार पहले कुछ हैमर केज और हैमर और ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हैमर केज की बात करें कि हैमर केज किस चीज़ का बनाता है, अगर हैमर केज को देखें तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हैमर केज क्या होता है। भाई, हैमर केज का काम होता है कि जो हमारा वो होता है गोला, ठीक है, हैमर होता है हैमर गोला, तो वो 32 मीटर पर सेकंड के वेग से आता है, तो उसको ये रोकने का काम करता है। ठीक है, कभी किसी को चोटिल ना कर दे। तो ये हमारा लोहे का बना होता है। ठीक है, ये जो इसके पाइप होते हैं वाले, ये इसके लोहे के बने होते हैं। ठीक है, इन पर ही ये थमा रहता है। ठीक है, ये और जो इसकी शेप होती है, शेप हमारी इसकी यू शेप होती है, ये यू शेप का होता है। अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई होती है 10 मीटर की। अब बात करते हैं पीछे से इसकी लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर होती है 7 मीटर की। अब बात करेंगे कि जो उसका हैमर थ्रो का वो होता है, सेक्टर होता है, वो कहाँ पर होता है। वो लगभग हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, ऐसे हमारा ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करेंगे कि ये तो होगा यहाँ से, और तो जो 20 से यहाँ तक इसकी दूरी होती है वो होती है 7 मीटर की, और जो यहाँ से खुला होता है, ये यहाँ से इसकी दूरी होती है 6 मीटर की। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे कुछ पॉइंट्स अभी बताता हूँ। शेप हमारी इसकी यू शेप हो गई। वर्क जो उसका हैमर केस का वर्क होता है, कार्य होता है, क्या होता है कि अगर कोई हैमर बहुत तेज गति से आ रहा है तो उसको रोकने का काम करता है हैमर केज। ठीक है, 32 मीटर पर सेकंड के वेग से आता है ना कोई हैमर, तो उसको रोकता है। ठीक है, और जो इसकी वायर की डिस्टेंस होती है, यहाँ पर वायर लगी रहती है। ठीक है, वायर का होता है या किसी धागे का बना होता है, ज़्यादातर यहाँ पर वायर्स का ही होता है हैमर केज, इसमें वायर्स लगे रहते हैं। तो जो उन वायर्स की लंबाई चौड़ाई होती है, उनके मतलब उन उसके खाने का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 45 से 50 mm का। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, हैमर केज में तो हमारा यही था। अब बात करेंगे हैमर तो हमारा वही होता है जो हमारा शॉर्ट पुट का होता है। जैसे हमारा शॉर्ट पुट का होता है, वही सेम इसका होता है। ठीक है, अब ये किसी मेटल का बना होता है। अब बात करेंगे, इसमें एक हैंडल होता है, ये तो हमारा हैंडल होगा यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, ये हमारा हैमर हो गया गोला, और जो उसकी लंबाई होती है, अगर मेंस की बात करें तो 1175 से 1215 mm तो उसकी मेंस की होती है। अगर वुमेंस की बात करें तो 1160 से 1195 mm इसकी वुमेंस की होती है। अब बात करेंगे कि इसका वेट कितना होता है। इसका वही वेट होता है जो हमारा शॉर्ट पुट का होता है। अगर हम इसके मेंस की बात करें तो 7.260 किलोग्राम ये हमारा मेंस का होता है। अगर वुमेंस की बात करेंगे तो 4 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर होगा 110 से 120, ठीक है, mm। अगर हम मूवमेंट्स की बात करेंगे तो 95 से 105 mm। ये हमारा हो गया हैमर थ्रो।
अब बात करेंगे इसके सेक्टर की, किसका सेक्टर कैसे होता है। इसका सेक्टर सेम वही होता है जो हमारा शॉर्ट पुट में होता है। आपको भी दिखा देता हूँ एक बार कैसे कैसे, पिछली वीडियो में वैसे मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी आपको एक बार बनाकर दिखा देता हूँ। अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में वही सेम रेडियस मान लो 1.067, ठीक है, 1.067 रेडियस मानकर एक गोले का निर्माण हो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर 3 का 4 का और 5 का फॉर्मूला लगाकर एक सीधी लाइन आ जाएगी, इमेजिनरी लाइन। ये कितनी होती है, ये होती है 18.84 मीटर, ये होगी हमारी इमेजिनरी लाइन। उसके बाद दोस्तों इस पॉइंट से 6 मीटर का चाप तो लगाओ इधर, और इस पॉइंट से 6 मीटर का चाप लगाओ इधर। अब इस पॉइंट से 19.77 की दूरी मानकर एक चाप यहाँ लगाओ और एक चाप लगाओ इधर। इतना काम सभी कर सकते हैं जो पिछली वीडियो में बताया मैंने। उसके बाद इन्हें आपस में मिला दो, इनको मिला दो आपस में, ठीक है, और इसको मिला दो इधर। मैं समझता हूँ इतना काम सभी आसानी से कर पाएंगे। अब उसके बाद अब यहाँ पर भी कोई सीधी लाइन खींचनी है तो कैसे खींचेंगे, या तो इसके पैरेलल खींच लो, ठीक है, या वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 का यहाँ पर 4 का और इस पॉइंट से यहाँ पर लगाओ 5 का, तो ये भी हमारी एक इधर भी एक सीधी लाइन आ जाएगी। और इसको बोलते हैं इंडिकेटर लाइन, ये होती है 0.75 मीटर की, इसको बोलते हैं इंडिकेटर लाइन। और इधर भी इंडिकेटर लाइन होती है 0.75 मीटर की इंडिकेटर लाइन। ये होगी सेक्टर लाइन, ये हमारा हो गया थ्रोइंग एरिया। ओके दोस्तों, और जो ये हमने यहाँ पर मानी थी, ये मानी थी 6 मीटर की, और इधर भी हमारे 6 मीटर की। उसके बाद जो एंगल होता है इसका, एंगल कितना होता है, एंगल होता है 34.92। इस पर एक रिम लगी होती है, रिम की थिकनेस कितनी होती है, 6 mm की। तो ये था हमारा हैमर थ्रो सेक्टर, कि हैमर थ्रो सेक्टर की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हमारा देखो शॉर्ट पुट हो गया, हैमर हो गया, आगे हम बात करेंगे डिस्कस की, कि डिस्कस सेक्टर की मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।